निष्ठापूर्वक पूर्ण करते देखा। आप भी अपने नन्हे हाथों से शहंशाह जी के पीछे खड़े होकर पंखा झुलाने की सेवा करते। आपकी माता कुलवंत कौर जी ममता व मिठास की मूरत थीं। उनकी समदृष्टि एवं मिलनसारिता की छाप आपके स्वभाव में भी दिखाई देती। आप संतों व सेवादारों के बच्चों के साथ बड़े अपनत्व से घुल मिल जाते और उनके साथ उठने बैठने खाने खेलने में प्रसन्नता महसूस करते। आपके चाचा श्री जोगिंदर सिंह नूर जी हास्य रस की रूहानी कविताओं से सबको भक्ति की गहराइयों के पाठ सहज ही पढ़ा देते थे। बुआ नंद कौर जी व चरणजीत कौर जी, फूफा भैया कुलवंत सिंह जी एवं भैया गोविंद सिंह जी, मौसी मान कौर जी एवं मौसा श्री हरबंस सिंह जी के सदगुरु के प्रति प्रेम समर्पण व श्रद्धा भाव से आपका रोम रोम पुरनूर होता चला गया। आपकी नैतिक शिक्षा का आरंभ तो परिवार से ही हो चुका था और अब समय था सांसारिक विद्या के पथ पर आगे बढ़ने का। हालांकि आपके विषय में तो यही कहा जा सकता है कि सांसारिक शिक्षा तो आपके लिए एक औपचारिकता मात्र थी। आपका जन्म तो आध्यात्म की बारीकियों को अपने जीवन से दर्शाकर मानव मात्र का पथ प्रदर्शन करने के लिए हुआ था।